जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिटना था इंडिया। मेरा नाम है राहुल यादव। जैसे आज की जनरेशन क्या चल रहा है, जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको अधिकतर बहुत सारी बीमारियां होती रहती है, गाड़ियों को हो गया, जैसे आम लोग भी सबको बहुत सारी बीमारियां हो रही है। क्या खाना आजकल सही नहीं मिलता, जैसे हमारी डाइट है, न्यूट्रिशन सही नहीं ले पाते, इसलिए मेन कारण रहता है। हमारे इंडिया में 80% से ज्यादा मरीज डायबिटीज और शुगर की ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम से गुजरते हैं। इसका मेन कारण है कि आप आपकी डाइट सही नहीं रहती। तो आज मैं आपको दो ऐसे सुपर फूड बताऊंगा जो खिलाड़ी नहीं बल्कि आम इंसान को, नॉर्मल पर्सन है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो उनके यहाँ तक ब्लड प्रेशर शुगर से लेकर जो डायबिटीज के अलावा जो भी उनके जॉइंट प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन प्रॉब्लम रहती है, स्किन प्रॉब्लम रहती है, सबके लिए फायदेमंद रहता है। तो पहला जो सुपर फूड से हमारा वो है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास क्या होता है, हमारे जो गेहूं होते हैं व्हीट, उसको क्या उसको एक जगह भीग दिया जाता है मिट्टी में, गमले में आप उसको भीग दीजिए। उसके बाद वो थोड़े दिनों बाद वहाँ पे अंकुरित हो जाएगा। जब वो अंकुरित हो जाता है तो उसको जो कट करके उसके ऊपर वाली जो सेल है उसकी डीप डीप कट करके उसको मिक्सी में एक आप उसको मिक्सी में पीस लीजिए, उसको उसको जो जूस निकलता है उसको व्हीट ग्रास यूज किया जाता है। व्हीट ग्रास जूस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है, इसके बहुत सारे फायदे, बहुत सारे न्यूट्रिशन कंटेंट रहते हैं। इसमें 17 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ऐसे दुनिया में कोई सा भी एक ऐसा कोई सा फूड नहीं जिसमें सारे टोटल एमिनो एसिड एक सिंगल फूड में पाए जाते हैं। तो व्हीट ग्रास जो है, इसके अलावा और भी जैसे तो सारे विटामिन पाए जाते हैं, आपको मिनरल्स मिलेंगे, ऐसे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सारे मिलेंगे इसमें। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है आपके लिए, आपकी ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपके जो कैंसर सेल्स को लड़ने की शक्ति देता है, आपको जो कैंसर की जो सेल जो रहते हैं या कैंसर सेल बनने से रोकता है, उसे फाइट करता है। आपके जो डायबिटीज जो प्रॉब्लम है, शुगर प्रॉब्लम है, उससे फाइट करता है, ऐसे आपके लिए फायदेमंद करता है। आपके जो खून भी आपके हेमोग्लोबिन का बिल्कुल बूस्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, आपकी स्किन के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप व्हीट ग्रास जूस को लेना कैसे ये बताता हूँ मैं आपको। को डेली आपको सुबह ब्रेकफास्ट जब करते हैं आप या फिर वर्क कर रहे हैं, कोई भी नॉर्मल रूटीन है आपका, जो सुबह उठते हैं इसको खाली पेट आपको लेना है। इसमें ज़्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच, यहाँ से 10 से 20 ml आपको डेली लेना है। अगर आप ये लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा आपके लिए, सारी चीज़ें आपकी अधिकतर सारी बीमारियों से लेकर आपकी बॉडी को पूरी बूस्टअप मिलेगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, सारी चीज़ें आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको पता लगेगा कि व्हीट ग्रास जूस क्या होता है, एक तरह से सुपर फूड माना जाता है। अगला जो है मोरिंगा। मोरिंगा आता है जो हमारी ड्रम स्टिक रहती है, जो फली आती है लंबी फली जिसको इतना ये फली, उसको मोरिंगा बोलते हैं, जो इंग्लिश में बॉटनिकल नेम उसका यही है। उसको जो बोलते हैं मोरिंगा की जो लीफ आती है, फिर जो पत्तियां रहती है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती है। ये जिसको जिनको आयरन डिफिशियंसी रहती है, एनीमिया रहता है, जिसको आंखों का, बालों का या हड्डियों की जो प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है मोरिंगा। मोरिंगा आपको डेली यूज में करना, जिसके एग्जैक्ट फॉर्म में भी आता है, लीफ फॉर्म में आता है, लेकिन इसे ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो आप पाउडर फॉर्म में जो आता है, टेबलेट फॉर्म में, तो यूज कर सकते हैं। इसे जो आपको मोरिंगा से क्या, आपको जो खिलाड़ी लोग हैं उनका एंड्योरेंस बहुत ही ज्यादा अप होगा, उनके जो बोन से जो कमजोर हो जाती है, जिनको जॉइंट प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए भी मोरिंगा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके ये दो सुपर फूड अगर आप डेली अपनी लाइफस्टाइल में यूज करेंगे, अगर डेली रूटीन में लाओगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप बीमार बहुत ही कम होंगे, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ही कम आएगी। स्किन रिलेटेड या हेयर प्रॉब्लम जिसको भी है, हेयर प्रॉब्लम के लिए भी बेस्ट है मोरिंगा, अगर आप ये दोनों यूज करिए। तो दोस्तों ये थी आज हमारे हेल्थ के लिए, आप इसको जरूर यूज में लाइए, और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कल दीजिए, जल्दी सपोर्ट करें। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, गेम से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलूंगा एक नए दूसरा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।